अपना सुप्रीम कोर्ट पर ये विश्वास है, ये भरोसा है, ये उम्मीद है, ये तवक्का है उनसे कि वो हमें अपना हक देंगे जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था। कल सुबह ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनके साथ चार ऑनरेबल जजेस जो हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे और हम इंसाफ की उम्मीद लिए बैठे हैं। हम कोई खास ज़्यादा उम्मीद हम लोगों ने नहीं रखी है, क्योंकि हम मानते हैं, जैसे मैंने कहा कि संस्थाएं जो देश की है वो सब अंडर प्रेशर है। जहाँ तक कल का जो वेडिक्ट आने वाला है, हम ये मानते हैं कि शायद वो हमारे हक में नहीं हो। अंदाज़ा ही लगाना है तो कल 10 बजे जब जजमेंट आएगी, वर्डिक आएगा, तो उस वक्त पता चलेगा कि क्या है, कि कश्मीरियों के हक में है, जम्मू कश्मीर के आवाम के हक में है या उनके खिलाफ है। इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि हम 2 महीने या 4 महीने से इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। हम गुज़िश्ता 4 साल से ज़्यादा अरसे से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पहले 3 साल में तो कोई सुनवाई हुई नहीं, सिर्फ एक दफ़ा आधे घंटे के लिए सुनवाई हुई थी, और जिसका हमने भी, मैंने खुद भी और मेरे साथियों ने अपनी पब्लिक मीटिंगों में पिछले 1-1.5 साल से कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको डे टू डे हियरिंग नहीं करेगी तो तब तक फैसला आना 50 साल में भी नामुमकिन है। मैं मशकूर हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने ऑलमोस्ट कभी कभी डेली बेसिस पे इसकी सुनवाई शुरू की। सब लोगों ने, सरकार ने, दूसरे लोगों ने, इंडिपेंडेंट लोगों ने जो किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ नहीं रखते थे, उन्होंने भी अपनी याचिकाएँ, अपनी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू किया, और सुप्रीम कोर्ट ने जब से सुनवाई की तब से उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लगाया। उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस तवक्को के साथ कि जो सरकार ने गैर कानूनी फैसला लिया था जी। क्योंकि ये पावर्स असेंबली की इलेक्टेड गवर्नर के पास थी, नॉमिनेटेड गवर्नर के पास नहीं थी, स्टेट को भंग करना और रिकमेंड करना जी। तो उस तरीके से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और बहुत भी कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन फैसला करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच कर सकता है। तो उसका इंतज़ार है हमें इंसाफ का कि जम्मू कश्मीर के अवाम को 370 और 35A जो हमसे छीना गया है, जिसमें नौकरियां भी हैं, जिसमें ज़मीन भी है, उसमें जो हमारा हक, एक्सक्लूसिव हक था, उससे हमें महरूम रखा गया है, उसका इंतज़ार हमें 4 साल से ज़्यादा से है। उसका हम ये अभी उम्मीद करते हैं और पूरा सुप्रीम कोर्ट पर ये विश्वास है, ये भरोसा है, ये उम्मीद है, ये तवक्का है उनसे कि वो हमें अपना हक देंगे जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था। जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे 2019 में तो इंसाफ हासिल करने की उम्मीद लेके गए थे, आज भी हमारे जज्बात वही हैं। हमें बेसब्री से इस दिन का इंतजार था। कल सुबह ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनके साथ चार ऑनरेबल जजेस जो हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे और हम इंसाफ की उम्मीद लिए बैठे हैं। देखिए, ऑलमोस्ट जितनी संस्थाएं हैं देश की वो सब हाईजैक हुई है। अगर आप आज की डेट में देखें, काफ़ी सारे फैसले जो सुप्रीम कोर्ट से आए वो उसी तर्ज में थे जो बीजेपी को पसंद आता। तो हम कोई ख़ास ज़्यादा उम्मीद हम लोगों ने नहीं रखी है, क्योंकि हम मानते हैं, जैसे मैंने कहा कि संस्थाएं जो देश की है वो सब अंडर प्रेशर है। तो जहाँ तक कल का जो वेडिक्ट आने वाला है, हम ये मानते हैं कि शायद वो हमारे हक में नहीं हो, लेकिन इतना ज़रूर है 2024 में जो इंडिया गठबंधन बनेगा उसमें हम लोग कम से कम जो है स्टेटहुड आपको वापस मिल सकता है, और फिर एक आध बिल हम लोग पास करें असेंबली से जिसमें 371 की को उम्मीद तो नहीं रखते,
लेकिन 371 कि आपका लैंड की प्रोटेक्शन एंड आपकी जो आपकी जो जॉब्स की सिक्योरिटी है, ये कम से कम यहाँ के लोगों को मिले। लेकिन जहाँ तक कल का वेडिक्ट है, इसमें हमने कोई खास ऐसी हमारी उम्मीद हमें नहीं लग रहा कि अगर मेजॉरिटी ऑफ आम कश्मीर से बात करेंगे तो कोई ऐसी हम लोगों को उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा नहीं है। हम नहीं मानते कि ये जो कल का फैसला होगा कि ये लोगों के हक में होगा, क्योंकि सभी संस्थाएं देश की अंडर प्रेशर है। फ्रॉम ब्रेकिंग न्यूज, डिटेल्ड एनालिसिस, इन डेप्थ इंटरव्यूज एंड एक्सप्लेनर्स, फॉलो द टाइम्स ऑफ इंडिया, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट।